Hi guys, I am Anvita Divedi from Target for IQ, and in the Company Law video series today we are gonna learn about the lifting or piercing the corporate veil. Last video में मैंने आपको बताया था कि corporate जब हम company को incorporate करते हैं तो there are certain advantages and there are certain disadvantages of the incorporation. तो मैंने आपको advantages बता दिए थे और disadvantages मैंने दो point mention किए थे. One is lifting or piercing the corporate veil, यानी कि कॉरपोरेट का जो पर्दा होता है या घूंघट जिसे हम कहते हैं उसको उठाना या उसमें छेद करना, इस डॉक्ट्रिन को हिंदी में कहते हैं. और इसके अलावा जो मैंने दूसरा एडवांटेज बताया था वो ये था कि लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि कुछ केसेस में डायरेक्टर्स डायरेक्टली लायबल माने जाते हैं कंपनी के, तो वो एक डिसएडवांटेज होता है इनकॉर्पोरेशन का. तो मैंने आपसे बताया था कि ये दोनों डिसएडवांटेज जो हैं ये काफ़ी ब्रॉड हैं और इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो डॉक्ट्रिन है, ये जो पहला डिसएडवांटेज है लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, ये एक डॉक्ट्रिन है और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो टुडे आवर टॉपिक इज़ लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल. तो ये डॉक्ट्रिन पहले हम जान लेते हैं कि ये कहती क्या है. देखिए, मैंने आपको बता दिया कि दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो इसका एक ये डिसएडवांटेज होता है लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल. पर ये है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो मैंने आपको कंपनी का एक फ़ीचर बताया था जो पिछले वीडियोस मैंने किए हैं. मैंने कंपनी के फ़ीचर्स वाला जो वीडियो है उसमें आप देखिएगा, मैंने आपको कंपनी का फ़ीचर बताया था कि कंपनी की एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी होती है. दैट पर्सनालिटी इज़ जनरली क्रिएटेड बाय द फिक्शन ऑफ लॉ. फिक्शन ऑफ लॉ से मतलब है कि कानून जो एक देखिए ये एक्चुअली फैक्ट तो नहीं है कि कंपनी एक पर्सन तो नहीं है, दैट इज़ नॉट अ फैक्ट, ठीक है, बट लॉ के फिक्शन के थ्रू, ठीक है, बट इट इज़ अ फिक्शन दैट कंपनी इज़ अ पर्सन. वी ट्रीट कंपनी एज अ पर्सन, इट इज़ अ फिक्शन. तो ये जो फिक्शन है ये लॉ के द्वारा क्रिएट होता है कि कंपनी एक पर्सनालिटी है या कंपनी एक पर्सन की तरीके ट्रीट की जाएगी. तो ये जो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का फीचर होता है कंपनी का, ये बेसिकली स्टैट्यूटरी पर्पसेस के लिए होता है, यानी कि और ये जो स्टैट्यूटरी पर्पसेस क्या होते हैं, देखिए स्टैट्यूटरी पर्पसेस का मतलब है कि मान लीजिए कंपनी को ये प्रिविलेज देनी है कि कंपनी स्यू कर सके, कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सके, ये स्टैट्यूटरी पर्पस है. तो इनके लिए कंपनी को ये डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का फीचर प्रोवाइड किया गया है. लेकिन ये जो पर्पस है ये जब तक लेजिटिमेट रहता है, यानी कि जो कानून के द्वारा मान्य कार्य हैं या जो लीगल कार्य हैं, ठीक है, उन्हीं को करने तक सीमित रहता है ये जो फीचर है कंपनी का. अगर आप इसको सिर्फ लीगल तरीके से यूज़ कर रहे हैं, लेजिटिमेट पर्पस के लिए, वैधानिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तब तक तो ठीक है. लेकिन जब आप इस पर्पस को, इस डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी के फीचर को मिसयूज़ करते हैं, कंपनी का ये जो डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का फीचर है वो मिसयूज़ करते हैं, तो आपको कोई भी शेल्टर नहीं मिलेगा. यानी कि इसका क्या मतलब है शेल्टर नहीं मिलेगा, यानी कि लॉ आपको बचाएगा नहीं. मान लीजिए आपने एक कंपनी खड़ी की है और उस कंपनी को आपने सिर्फ इसलिए क्रिएट किया है ताकि आप उस कंपनी के द्वारा कुछ इलेजिटिमेट काम कर सकें, कुछ इलेजिटिमेट काम कर सकें, जिसे हम कहते हैं कि कुछ इलीगल या असंवैधानिक कार्य कर सकें या अवैधानिक कार्य कर सकें, उसके लिए आपने कंपनी को फॉर्मेशन किया है. तो यहाँ पर जनरली क्या होता है कि जब कंपनी कोई भी कार्य करती है तो कंपनी को लायबल माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपनी को लायबल ना मान के कंपनी के जो ओनर्स होंगे या कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे, यानी कि जो कंपनी के फॉर्मेशन के पीछे जो लोग होंगे, उनको लायबल माना जाएगा. तो यहाँ पर आपको कोई शेल्टर नहीं मिलेगा कंपनी के पीछे, यानी ये नहीं माना जाएगा कि कंपनी अलग है और आप अलग हैं, आप कंपनी को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा, यानी कि सारी लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की हो जाएगी और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी. तो ऐसा नहीं है. जब भी आप कंपनी का मिसयूज़ करते हैं, कंपनी की डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी का मिसयूज़ करते हैं और कंपनी के पीछे छुपकर कोई इलेजिटिमेट कार्य करते हैं, तो वहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती. वहाँ पर कोर्ट क्या करता है कि कंपनी की जो ये जो फिक्शन ऑफ लॉ से ये जो कंपनी की पर्सनैलिटी क्रिएट हुई है, इस क्रिएटेड पर्सनैलिटी को हमारा कोर्ट सी थ्रू करता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो कॉरपोरेट का ये कॉरपोरेशन का जो जामा पहना हुआ है कंपनी ने उसको, या जो कॉरपोरेशन का पर्दा लगाया हुआ है कि हाँ हम तो कॉरपोरेशन हैं, हमने ये काम नहीं किया है, तो उस
उसको पियर्स करता है, उसमें छेद करता है, तो इसी को हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल की पियर्सिंग या फिर कॉर्पोरेट घूंघट की पियर्सिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक तरीके से क्लोक कंपनी ने ओढ़ा होता है या फिर आप कह सकते हैं जो जामा पहना होता है कि किसी व्यक्ति ने कंपनी का, जैसे सोलोमन वाला केस मैंने आपको बताया था, तो उसमें वो व्यक्ति लायबल नहीं हुआ बल्कि उसकी कंपनी लायबल की गई और ये बोला गया कि डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी, कंपनी एक अलग पर्सनैलिटी है और जो व्यक्ति है वो अलग है, तो कंपनी के कार्यों के लिए उस व्यक्ति को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो ऐसा हर केस में नहीं होता है, जब आप कंपनी का मिसयूज़ करते हैं तो आपको ही लायबल ठहराया जाएगा, कंपनी को लायबल नहीं ठहराया जाएगा। तो इसी को हम पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। तो अब नेसेसिटी क्या होती है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने की, यानी कि ये जो कॉर्पोरेट का पर्दा है जो कंपनी ने ओढ़ रखा है, मतलब सॉरी जो आपने कंपनी के थ्रू ओढ़ रखा है, तो उसको हटाने की या उसमें छेद करने की या उसके आर पार देखने की क्या नेसेसिटी होती है, क्या ऐसी आवश्यकता होती है कोर्ट को लगता है कि ये पर्दा हटाया जाए। देखिए, जैसे एक तो आवश्यकता ये होती है कि मान लीजिए कंपनी एनिमी नेचर की है, कई बार क्या होता है कि कुछ फॉरेन नेशंस आपके यहाँ पर आकर कोई कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी के थ्रू कुछ वो इलीगल काम कर रहे होते हैं या फिर लीगल काम भी कर रहे होते हैं, बट हो सकता है कि स्पाई कर रहे हों या कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हों जो कि आपके देश में वैधानिक नहीं है। तो यहाँ पर या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी ऐसी होती है जो दूसरे देश से बिलोंग करती है और उस जिस टाइम पे कंपनी खुली होती है उस टाइम पर तो हम उस नेशन के साथ फ्रेंडली टर्म्स होते हैं हमारे, बट कुछ समय बाद वॉर हो जाती है और हम हमारे जो उस नेशन के साथ संबंध ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर उस कंपनी को एनिमी कंपनी की तरीके ट्रीट किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि कंपनी के पीछे जो लोग चला, तो यहाँ पर कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा कंपनी के इललेजिटिमेट कामों के लिए या कंपनी की स्पाइंग के लिए, कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा बल्कि उन लोगों को माना जाएगा जो कि कंपनी चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर वो लोग एनिमी नेशन से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल उठा के कोर्ट देखता है कि जो लोग कंपनी के पीछे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के छुपे हुए कंपनी के वेल के पीछे, वो एक्चुअल में कौन लोग हैं, वो एनिमी हैं या वो फ्रेंड हैं। अगर वो एनिमी हैं तो यहाँ पर कंपनी को एनिमी कंपनी करार दिया जाता है और तब यहाँ पर नेसेसिटी होती है। फिर जो दूसरा पर्पस आता है वो है आर्टिकल 12 का। देखिए, आर्टिकल 12 आपको सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कहता है कि जैसे स्टेट कौन कौन सी कॉरपोरेशंस हैं जो कि स्टेट मानी जाएंगी और कौन कौन सी कॉरपोरेशंस हैं जो स्टेट नहीं मानी जाएंगी। तो ये देखिए, जो स्टेट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो क्या होता है कि स्टेट कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है अपने एम्प्लॉयज़ की गलतियों के लिए, ठीक है, या फिर स्टेट की कई और लाइबिलिटीज़ होती हैं टूवर्ड्स इट्स सिटीज़न। तो आर्टिकल 12 के पर्पज़ से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने एक कंपनी फॉर्म की है, तो उसे हम विद इन आर्टिकल 12 रखेंगे या नहीं रखेंगे, वेदर इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्टेट और नॉट, ये हम कॉर्पोरेट वेल के थ्रू तय कर सकते हैं। जब हम कॉर्पोरेट वेल उठा के देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है कि ये कंपनी कोई प्राइवेट पर्सन ओन कर रहा है या फिर ये कंपनी किसी इस पर्पज से क्रिएट की गई है कि वो स्टेट चला रहा है। तो कई बार होता है स्टेट ऐसी सिचुएशंस में सहारा लेते हैं कॉर्पोरेट वेल का और ये कहते हैं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी या कॉरपोरेशन है या ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंटैलिटी है वो स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी नहीं है और स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट वेल पियर्स करता है और देखता है कि नहीं, एक्चुअली में स्टेट ओनर है उस कंपनी का, यानी वो कंपनी स्टेट है, या फिर सच में कोई प्राइवेट ओनर है उस कंपनी का। तो ये हो गया। तो ये जो सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड वर्सेस ब्रोजोनाथ गांगुली का जो केस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यही चीज़ बताई गई है और ये बोला गया है कि आर्टिकल 12 के पर्पस से ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कॉर्पोरेट वेल ये असर्टेन करे या ये निश्चित करे कि उस वेल के पीछे स्टेट काम कर रहा है या स्टेट की कोई एजेंसी काम कर रही है या फिर कोई प्राइवेट पर्सन काम कर रहा है। ठीक, तो आपको पता चल गया कि इस केस में क्या बोला गया है, किस केस में क्या मेन बात हेल्ड हुई है। इसके बाद कभी कभी जो लिफ्टिंग दी वेल का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। तो देखिए, ये पॉजिटिव इफेक्ट कब होता है, जैसे मैंने बताया ना कि ये एक डिसएडवांटेज है, बट कभी कभी क्या है कि इसका एडवांटेज भी मिलता है। अब एडवांटेज कैसे मिलता है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। इससे आपको लिफ्टिंग दी वेल का जो कॉन्सेप्ट है ये भी समझने में क्लैरिटी हो जाएगी और इसके अलावा आपको
ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर हम इसको फ़ायदे के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये जो केस है न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या हुआ था कि कुछ कंपनीज थी, कुछ ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, मल्टी नेशनल कंपनी थी, तो वो उसमें कई कई नेशंस की का पार्टिसिपेशन था। ठीक है, मल्टी नेशनल कंपनी थी, उसमें कई नेशंस का पार्टिसिपेशन था, तो वो कंपनी इंडिया में काम कर रही थी और इंडिया में गवर्नमेंट ने एक टेंडर उठाया येलो पेज प्रिंट करने का। तो येलो पेज प्रिंट करने का जब उन्होंने टेंडर उठाया तो इस कंपनी ने भी टेंडर डाला, और इस कंपनी ने जब टेंडर डाला तो इनकी जो इस कंपनी ने जो प्राइस कोट किया था वो बाकी कंपनी से ज़्यादा कोट किया था, यानी कि ये ज़्यादा प्राइस देने के लिए विलिंग थे। और इसके अलावा इनका टेंडर रिजेक्ट कर दिया गया इस बात पे, एक दूसरी कंपनी को दे दिया गया, और वो भी ऐसी कंपनी को जिसने प्राइस भी कम दिया, और इनका कोटेशन इस बात पे रिजेक्ट कर दिया गया, या इनका टेंडर इस बात पे रिजेक्ट कर दिया गया कि इनके पास येलो पेज प्रिंट करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पर ये कोर्ट गए और इन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि हमारी ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये कई नेशंस की कंपनी से मिलके बनी है, और इसमें एक सिंगापुर की भी कंपनी शामिल है, तो ये जो सिंगापुर की जो कंपनी है ये इसके पास येलो पेज प्रिंट करने का एक्सपीरियंस है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे ये कहना था कि हमने इनको एक्सपीरियंस लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से टेंडर नहीं दिया है। तो इसलिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कोर्ट यहाँ पे कंपनी के नेचर को, कॉर्पोरेट वेल को हटा कर कंपनी के रियल नेचर को देखे और ये देखे कि कंपनी के पास एक्सपीरियंस है थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया और ये देखा कि हाँ दूसरी जो इनके साथ जो शामिल कंपनी है उसके पास एक्सपीरियंस है और उसके एक्सपीरियंस को इन्हीं इसी कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव फ़ायदा हुआ कंपनी को कि कॉर्पोरेट वेल हटाने से, और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, टेंडर मिल गया, तो ये एक इफेक्ट होता है। फिर अब कौन कौन से सिचुएशंस हैं जहाँ पर हमें कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है, तो इसमें ये जो पहली सिचुएशन है वो ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी कि कई बार कंपनी का जो रियल नेचर होता है कि कंपनी किस पर्पस से काम कर रही है, या एक्चुअली में कंपनी के पीछे कौन काम कर रहा है, इसको जब हम रियल कैरेक्टर कंपनी का डिसाइड करते हैं तो इसके लिए कॉर्पोरेट वेल हटाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें एक एनिमी कंपनी का एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कंपनी कोई एनिमी चला रहा है तो रियल कैरेक्टर डिटरमाइन करना ज़रूरी है कि हु इज़ बिहाइंड द कंपनी। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देती है, यानी कि कंपनी कोर्ट का आदेश नहीं मान रही है, तो वहाँ पे रियल कैरेक्टर डिटरमाइन करना ज़रूरी होता है कि कंपनी के पीछे कौन है, क्योंकि देखिए कोई कंपनी तो एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु तो कोर्ट का आदेश मानने से इनकार नहीं करेगी, जाहिर सी बात है कि कंपनी के पीछे जो लोग होंगे वो कोर्ट का आदेश फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे बहुत नेसेसरी है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जो कि कंपनी का, जो कि कोर्ट का आदेश नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करके उन लोगों को लाइबल ठहराएंगे जो कोर्ट का आदेश नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर रियल कैरेक्टर कंपनी का डिटरमाइन हो रहा है। तो बेसिकली रियल कैरेक्टर का मतलब है हु इज़ द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, ये हमें डिटरमाइन करना है, और वो किस पर्पस से काम कोई असाइंड वर्क नहीं कर रहा है या कोई पर्टिकुलर इलेजिटिमेट वर्क कर रहा है। तो रियल कैरेक्टर डिटरमाइन करने का मतलब ये होता है कि हम ओनर तक जाते हैं कि कौन कंपनी चला रहा है और उसका मोटिव क्या है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कई बार, अच्छा एक के एक सिचुएशन ये भी आती है कि कई बार सब्सिडरी कंपनी के केसेस होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, तो वो सब्सिडरी कंपनी सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई है ताकि जो रियल कंपनी है वो लायबिलिटी से बच सके। तो यहाँ पे जो रियल कंपनी है जो लायबिलिटी से बचना चाह रही है थ्रू सब्सिडरी कंपनी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी को आपने लायबल ठहरा दिया और रियल कंपनी बच गई, तो वहाँ पे भी कॉर्पोरेट वेल को हटाने की ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट के लिए ज़रूरी हो जाता है कि कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को हटाकर देखे। ठीक है, तो अब ये जो कंटेम्प्ट वाला मैंने बात बताई आपको, एग्जांपल दिया, इसी का केस है ज्योति लिमिटेड वर्सेस कमलजीत कौर भसीन। देखिए ये केसेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कंपनी लॉ आपके मेंस के पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है, तो आपको मेंस में केसेस लिखने रहेंगे, तो अगर आप केसेस के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको ईजी रहेगा। इसके अलावा आप और भी केसेस पढ़ लीजिएगा, सिर्फ इन केसेस पर डिपेंड मत रहिएगा, सो दैट कि आपकी क्लैरिटी भी बढ़ सके और प्लस आपके पास मेंस में लिखने के लिए मटेरियल रहे। तो ये ज्योति लिमिटेड वर्सेस कमलजीत कौर भसीन के केस में कोर्ट ने ये चीज़ बहुत ही क्लियरली हेल्ड की थी कि कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अगर डिलिबरेटली या फिर विलफुली डिसोबे किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि कोर्ट ये देखेगा कि कौन से ऐसे लोग हैं कंपनी के कॉरपोरेशन में जो कि कोर्ट का ऑर्डर जानबूझ के डिसोबे कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी कॉरपोरेट वेल हटाकर देखेगी। उसके बाद फिर
यहाँ पे जो सेकेंड पर्पस आता है वो ये आता है कि इवेजन ऑफ टैक्सेस का, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कंपनी इसलिए फॉर्म करते हैं ताकि वो टैक्स इवेड कर सकें। देखिए इन केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई इनकम है किसी और सोर्स से, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम आपका कुछ और है, बट आप उस सोर्स ऑफ इनकम को किसी कंपनी को, आप एक कंपनी क्रिएट करते हैं और उस सोर्स ऑफ इनकम को उस कंपनी में ट्रांसफर कर देते हैं, और उसके बाद आप ये दिखाते हैं कि आपने उस कंपनी को लोन दे रखा है, और फिर उस लोन से जो धीमे धीमे प्रॉफिट होता है, हर महीने वो प्रॉफिट लेते रहते हैं, तो इसमें क्या है कि आपकी मंथली इनकम लेस हो जाती है और आपका टैक्स बच जाता है, ठीक है। तो ये टैक्स बचाने का तरीका होता है। तो अगर आपने कंपनी सिर्फ सोलली इस पर्पज से क्रिएट की हुई है कि आप टैक्स बचा सकें, तो यहाँ पर कोर्ट कंपनी का वेल हटाकर देखता है और ये देखता है कि ये कंपनी के पीछे जो लोग हैं वो लोग जानबूझ के टैक्स इवेड करने के लिए उन्होंने कंपनी क्रिएट की हुई है, और यहाँ पर कंपनी का ये जो कॉर्पोरेट वेल है वो हटना चाहिए और उन लोगों को लाइबल ठहराया जाना चाहिए। तो एक ये हो गया, ठीक है। तो इन केसेस में हटता है। तो इसमें भी एक सीआईटी वर्सेस मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड का केस है। तो इसमें कोर्ट ने क्या चीज़ हेल्ड की थी वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें यही बोला गया था कि अगर सोल पर्पज किसी कंपनी को क्रिएट करने का यही है कि टैक्स इवेड किया जा सके, यानी कि कंपनी किसी और पर्पज से क्रिएट ही नहीं हुई है, सिर्फ टैक्स इवेजन के लिए क्रिएट हुई है, टैक्स कम करने के लिए या टैक्स ना भरने की पर्पज से क्रिएट की गई है, तो यहाँ पर कंपनी को सेपरेट एंटिटी नहीं ट्रीट किया जाएगा, बल्कि जिन लोगों ने कंपनी क्रिएट की है उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो हमारा थर्ड जो इसका सिचुएशन होती है कि कई बार कहाँ पर जरूरत पड़ती है कॉर्पोरेट वेल हटाने की, जिसमें अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात आती है। कई बार होता है कि गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन बनाती है, ठीक है, तो वो लेजिस्लेशन को अवॉइड करने के लिए आप उस लेजिस्लेशन को फॉलो नहीं करना चाहते हैं और उसको अवॉइडेंस के लिए आप कंपनी क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये केस है, इसके थ्रू मैं समझाती हूँ। इस ये वर्क में ना एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का केस है। इसमें क्या होता है इस केस में कि बेसिकली यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने वर्कर्स के बोनस के लिए एक लेजिस्लेशन जारी किया था, जिसमें कुछ ऐसा था कि कंपनी की इनकम के हिसाब से, कंपनी के प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। तो उस बोनस को देने से बचने के लिए यहाँ पर इन्होंने एक सब्सिडियरी कंपनी क्रिएट कर दी और उस कंपनी को अपना जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करने लगे। वो कंपनी के अपने एसेट्स नहीं थे, अपना कोई पर्पस नहीं था, वो कोई काम भी नहीं करती थी, कोई भी वर्क पर्पस नहीं था उस कंपनी का, वो सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई थी बट की जो प्रॉफिट है वो उसको उस कंपनी में ट्रांसफर करके दिखाया जा सके कि ये प्रॉफिट यहाँ पे इन्वेस्ट किया, तुम्हारा टोटल प्रॉफिट कम हो जाए। तो टोटल प्रॉफिट कम करने के लिए चूंकि ये कंपनी ने क्रिएट की थी, तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऐसा किया है उन लोगों को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, कॉर्पोरेट वेल को हटाकर देखा जाएगा, कंपनी को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए भी ऐसा होता है कि कई बार लोग कुछ फ्रॉड कमिट करने के लिए कोई कंपनी फॉर्म कर देते हैं। इन केसेस में भी ये माना जाता है कि कंपनी की जगह जो कंपनी जिन लोगों ने क्रिएट की है वो लोग लायबल हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि व्हेन कॉर्पोरेट फसाड इज रियली एन एजेंसी, मान लीजिए आपने कोई कॉर्पोरेट कंपनी क्रिएट की है और वो सिर्फ आपने ये दिखाने के लिए फॉर्म किए कि वो आपकी एजेंसी की तरीके काम कर रही है। जैसे आप इसको तरीके से ले सकते हैं कि आपकी कंपनी में 1% इन्वेस्टमेंट है किसी कंपनी का, 99% इन्वेस्टमेंट आपका है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि ये 1% इन्वेस्टमेंट है, आपने बोला कि ये कंपनी सारा काम कर रही है, जो 1% इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है तो ये माना जाएगा कि ये आपकी ही कंपनी की एजेंसी है, क्योंकि मोस्ट इन्वेस्टमेंट आपका है। यहाँ पर एक तरीके से एजेंसी का फसाद क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे जो एजेंसी आपने क्रिएट की है वो लायबल नहीं होगी, जो रियल कंपनी है वो लायबल होगी। उसके बाद फिर जो छठी सिचुएशन आती है वो ये आती है कि कई बार क्वाज़ी क्रिमिनल केसेस में रियल पर्सन को पनिश करने के लिए, मान लीजिए कंपनी ने कोई एक्ट कमिट किया है जो कि क्वाज़ी क्रिमिनल नेचर का है, उसके डायरेक्टर ने कोई एक्ट कमिट किया है कंपनी के, तो यहाँ पर क्या है कि कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए कंपनी के थ्रू कोई एक्ट कमिट किया गया है और जो कि क्रिमिनल केस के विद इन फॉलो हो रहा है, क्वाज़ी क्रिमिनल केस के विद इन में फॉलो हो रहा है, यहाँ पर उस एक्ट के लिए लायबल कंपनी नहीं होगी, बल्कि जो रियल पर्सन है कंपनी के वो लोग लायबल होंगे, जो लोग कंपनी चला रहे हैं। फिर सेवेंथ पॉइंट आता है आपका टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, मैंने ये जितने पॉइंट्स बताए हैं इनका जो मेन पर्पस है वो यही है
कि जनरली फ्रॉड कमिट करने के लिए, टैक्स इवेड करने के लिए, इस तरीके की चीज़ों के लिए इस तरीके के काम होते हैं कि कंपनी क्रिएट की जाती है और कंपनी के भुगतान किया जाता है। तो आपको इजीली ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि हाँ, मेनली फ्रॉड, टैक्स इवेजन या फिर किसी प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करना है, उस सिचुएशंस में कंपनी में कॉर्पोरेट वेल हटाया जाता है। तो आप लोग इससे जो ये जो पॉइंट है, इनसे आपको टैक्स का पर्पस समझने में भी मदद मिलेगी कि किस तरीके से टैक्स इवेड किया जाता है। बट प्लीज़ आप लोग टैक्स इवेजन के तरीके मत सोचने लगेगा, दैट्स इलीगल टोटली। एनीवेज, दैट्स अबाउट। फिर जो हमारा सेवेंथ पॉइंट आता है वो ये है कि टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ पर जब मान लीजिए किसी कंपनी के थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ अब्यूज हो रही है, कि वो कंपनी इस पर्पज से काम कर रही है कि वो किसी लॉ के किसी लॉ को अब्यूज कर रही है, किसी लॉ का गलत फायदा उठा रही है, तो इसको रोकने के लिए हम कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन लोग हैं जो इसके पीछे काम कर रहे हैं और उनको लायबल ठहराते हैं। अब इसमें आपका एक केस है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गोटन लाइम स्टोन खांजी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड एंड अनदर। अब देखिए, कभी कभी कुछ केसेस को ना याद करने की ट्रिक होती है, देखिए सारे केसेस में पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली आपको नाम याद करना पड़ेगा, उसके अंदर की चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बट कुछ केसेस में ये पॉसिबल होता है। जैसे इस केस को मैं नाम लंबा है तो मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए, स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है ये, पहली बात तो स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है। और उसके बाद यहाँ पर इस केसेस में जो बात हुई है वो बेसिकली माइंस की सेल की बात हुई है, ठीक है। तो राजस्थान में लाइम स्टोन की माइंस काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको भी पता है, ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा भी होगा कि राजस्थान में लाइम स्टोन की माइंस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये देखिए, केस का नाम अगर आप देखेंगे, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गोटन लाइम स्टोन खांजी उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पे लाइम स्टोन से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें, इस केस में माइंस की बात हुई है, ये माइंस वाला केस है, ठीक है। तो इससे आप इजीली याद कर सकते हैं। खैर, अब केस के बारे में बात करते हैं। तो इस केस में बेसिकली क्या हुआ था कि एक कंपनी थी जिसके पास माइंस की लीज थी, ठीक है, यानी कि ये जो लाइमस्टोन की माइंस थी उनकी लीज थी एक पार्टनरशिप फर्म के पास। तो उसके जो पार्टनर्स थे उन्होंने मिलके एक कंपनी फॉर्म की और उस कंपनी को ये लीज ट्रांसफ़र कर दी। ये लीज 40 साल पुरानी थी तो इजीली ट्रांसफ़र हो सकती थी, तो उन्होंने वो लीज उठा के, लाइमस्टोन की लीज, वो पार्टनरशिप फर्म से उठा के उस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी। फिर उस कंपनी ने क्या किया कि, और उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो यही इस जो पार्टनरशिप फर्म जिनके पास लीज थी उसके जितने भी पार्टनर्स थे वो सारे के सारे लोग, वो जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी थी उसके डायरेक्टर्स थे। अब जिस ये जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी जिसके पास लीज चली गई, उसने क्या किया कि उसने एक और दूसरी कंपनी को अपनी कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। अब ये बात आपको समझ आ गई, मैं इधर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक पार्टनरशिप फर्म थी, देखिए एक पार्टनरशिप फर्म थी, उस पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर्स थे उन्होंने मिलके एक न्यू कंपनी क्रिएट की, और उस न्यू कंपनी को इन्होंने, इस पार्टनरशिप फर्म ने अपनी लाइम स्टोन की जो माइन थी उसकी लीज दे दी, ठीक है। तो ये जो लाइम स्टोन की जो माइन थी उसकी लीज उन्होंने न्यूली फॉर्म्ड कंपनी को दे दी, ट्रांसफर कर दी। और उसके बाद ये जो न्यूली फॉर्म्ड कंपनी थी इसने अपने सारे शेयर्स उठा के एक दूसरी कंपनी को बेच दिए। अब ये शेयर्स क्यों बेचे गए थे ये मैं आपको बताती हूँ। ये शेयर्स इसलिए, पहली बात तो ये शेयर्स 160 करोड़ के दाम पर बेचे गए थे। और ये शेयर क्यों बेचे गए थे, ये शेयर इसलिए बेचे गए थे क्योंकि उन्हें, देखिए इनकी लीज को बेचना अलाउड नहीं होता, माइंस जो माइंस के रेगुलेशंस हैं या फिर माइंस से रिलेटेड जितने भी एक्ट हैं उन सब में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि माइंस की लीज को बेचना अलाउड नहीं है, यानी कि लीज आपको टेंडर के थ्रू मिल सकती है बट आप लीज बेच नहीं सकते हो, उसको सेल नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने क्या, और माइंस की लीज की जो टोटल कॉस्ट थी वो 160 करोड़ के आसपास ही थी, तो इन्होंने सेम कॉस्ट पे ही सारे कंपनी के शेयर्स बेच दिए। और वो कंपनी माइन ओन करती थी, वो कंपनी माइन की लीज ओन करती थी, तो यानी कि माइन की लीज ऑटोमेटिकली दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने कंपनी सिर्फ इस पर्पज से ही क्रिएट की थी ताकि ये जो ट्रांसफरेबिलिटी का जो लॉ है और जो माइन्स ना बेच सकने का जो लॉ है उसको बेसिकली लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन अवॉइड कर सके,
प्रोसेस ऑफ लॉ में उन्होंने एक लूपहोल निकाला और प्रोसेस ऑफ लॉ को एक तरीके से अब्यूज किया। तो यहाँ पर जो कंपनी के पार्टनर्स हैं, सॉरी जो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जो न्यू कंपनी इन्होंने बनाई है उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं मानी जाएगी माइंस की लीज बेचने के लिए या कंपनी को बेचने के लिए, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के क्रिएट किया कंपनी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि किन किन केसेस में कॉर्पोरेट वेल उठाया जाता है और कॉर्पोरेट वेल के उठाने का मतलब क्या होता है। कॉर्पोरेट वेल को उठाने का मतलब होता है कि जो कंपनी के पीछे जो लोग हैं आप उनको किसी पर्टिकुलर एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कॉमेंट करिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करिए। ओके, एंड प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको कुछ और भी चीज़ें पूछनी है एग्जाम से रिलेटेड तो आप आराम से पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरी सॉल्व करूँगी। एंड टिल देन टाइम्स आर हार्ड, सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।